हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष किचन। आज हम चीज नान बनाएंगे। नॉर्मली नान हम ओवन में बनाते हैं, पर आज हम इसे तवे पर बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। नान बनाने के लिए हमने एक कप मैदा लिया है। इसमें मैदा का चौथाई भाग दही लेंगे, थोड़ा सा चुटकी भर नमक, एक चम्मच चीनी लेंगे। चीनी डालने से इसमें अच्छा कलर आता है, और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे। अब इसे गूंथ लेंगे। गूंथने समय अगर आटा दही से ही गूंथ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत पड़े तो इसमें आप पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाना है। इसे हाथों से अच्छा से मसलना है, तभी नान अच्छा बनेगा। डो रेडी हो गया है। इसमें ऊपर से तेल लगाकर करीब आधा घंटा के लिए ढककर रख देंगे। आधा घंटा हो गया है, फिर से इसे अच्छी तरह से मसल मसल कर मिला लेंगे। डो अच्छी तरह से मिल गया है, अब इसके लोई बना लेंगे। यहाँ हमने चीज को कद्दूकस करके रख लिया है। अब लोई का पेड़ा बनाकर हाथों से इस तरह से फैला देंगे। फिर इसमें ग्रेट किया हुआ चीज को फिल करेंगे। इसके बाद लोई को घुमाते हुए इसको बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा सूखा आटा चकले पर फैला देंगे और इस पर नान को बेलेंगे। आप इसे ओवल शेप में या गोल शेप में भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हल्के हाथों से दबाते हुए बेल लेंगे। अब इसे हाथों में रख कर इसके बैक साइड में थोड़ा थोड़ा पानी अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसे गर्मा गर्म तवे पर डाल देंगे। नान तवे पर बिल्कुल उसी तरह चिपक जाएगा जैसे तंदूर के अंदर नान चिपक जाता है। 2 मिनट पकने के बाद तवा को पलट कर नान को ओपन फ्लेम पर पकाएंगे। इसे धीरे धीरे चारों तरफ घुमाते हुए ओपन फ्लेम पर पका लेंगे। गैस का फ्लेम को लो रखेंगे और देखिए यह कितना अच्छा पक गया है। अब इसमें बटर लगा लेंगे। थोड़ी सी बटर तवे पर भी डालेंगे जिससे नान आसानी से निकल जाएगा। नान बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि तवा नॉनस्टिक ना हो, स्टील या लोहे की हो। नॉनस्टिक तवे पर नान चिपकेगा नहीं। लोहे या स्टील तवा पर नान अच्छी तरह से चिपक जाता है। इसी तरह से हम सारा नान पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, चीज नान बनकर तैयार हो गया है। आप भी इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। आप एक बार इस चीज नान को जरूर बनाइए, आपको जरूर पसंद आएगी। आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।